القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله رحيم رحيم وأما العيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث أما المقدمة الأولى فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. وأما عدم الخلو عنهما فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيز. فإن كان مسبوقا بكون آخر بكون آخر في ذلك الحيز فهو ساكن. وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فمتحرك. وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين. والسكون كوناني في معانين في مكان واحد فإن قيل يجوز أن لا يكون مسبوقا بكون آخر أصلا فكما في عن الحدوث فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا قلنا هذا المعنى لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى على أن الكلام في الأسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت فيه, فيه العسار والأزمان وأما حدوثهم حدوثهما فلأنه من العراز وهي غير باقية ولأن ماهية الحركة لما فيها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير والأزلية تنافيها ولأن كل حركة فهي على المقتضى وعدم الاستقرار وكل سكون فهو جائز الزوال لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه واما المقدمه الثانيه فلانما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الازل لازم ثبوت الحادث في الازل وهو محال واما العيان فلانها لا تخلو عن الحوادث اور بحال عيان تو اسليه كي حوادث نہیں وكل ما لا يخلو من الحوادث هو حادث اور هر وہ شے جو حوادث حادث शर्य कहते हैं कि इस जो हमने दावा और दलील दी है इसमें दो मुकदमे दलील के में वमलमकदमतलूलाफल अला तखल हरकत और सुकूनी और बहरहाल पहला मुकदमा तो इसलिए कि वो यानी आयान हरकत और सुकून से खाली नहीं है वह हादिसानी और ये दोनों हादिस हैं أما عدم الخلو عنهما فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكول في حيز اور ان دونه سخالي خالی ہونا تو اس لئے کہ جسی میں جوہر خالی نہیں ہوتے ہیں میں سے فَإِن كَانَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بِعَيْنِهِ فهو پس اگر وہ کون مسبوق मसबूक हो दूसरे ऐसे कौन से जो बेनी ही उसी हयस में हासिल हुआ हो तो वह जिसी मजहर साकिन है व इन बेकन मसबूक बेगौन आकर फी दार हयिय और अगर वह मजबूक ना हो दूसरे ऐसे कौन से जो उसी हयस में हासिल हुआ हो बल्फी हयसन आकर बल्कि दूसरे हयिस में हो फरक तो मतहरक है शर्कत वहादा मानहिम और यही उनके इस कौल के माने हैं कि हरकत कौना नफ़ी आ नई नफ़ी नहीं के हरकत दो कौन है जो दो आन में दो मकान में हासिल हुए हों और सुकून व गौनाफ़ी आ नई निफ़ी मकानदिन और सुकून दो कौन है जो दो आन में एक ही मकान में हासिल हुई हो यहाँ से साहब किताब के केदूस की, की दलील दे रहे हैं और इसको सुगरा कोदे की शक्ल में इन्होंने पेश किया है दलील का हासिल ये है कि आयान ये हवादी से खाली नहीं होते हैं ये सुगरा हो गया और हर वो शह जो हवालि से खाली ना हो वो शय हादिस होती है तो नतीजा क्या निकलेगा के आयान ये हादिस हैं अब चूँकि ये दलील दो यानी सुगरा कुबरा से मरकब है और ये दोनों यानि सुगरा और कुबरा दोनों जो है दलील के मोहताज है यानि पहले जो दलील आयान के हदूस की दलील है तो उसके जो दोनों मुकदमे हैं पहले उसको साबित करना पड़ेगा तब जाके दलील ताम होगी इसलिए इशारे जो है अल्लाह साल तफ़ा रमतल दोनों मुकदमा की दलील बैन कर रहे सर कर्क की दलील बैन कर रहे तो पहला मुकदमा ये था कि आयान हवादिस से खाली नहीं होते उसकी दलील ये है कि आयान हरकत व सुकून से खाली नहीं है यानी आयान ये या तो मतहरिक होंगे या साकिन होंगे कोई तीसरी शे इन पर तारी नहीं होती और चूँकि हरकत और सुकून दोनों हादिस हैं लिहाजा आयान भी हादिस होंगे आान हरकत और सुकून से खाली ना होने की दलील क्या है तो दलील साहब किताब ने दी है लेकिन उससे पहले आप हरकत और सुकून को समझ लीजिए हरकत किसे कहते हैं सुकून किसे कहते हैं तो शारे ने उसकी तारीफ़ की है फाइन काना मक़न से लेकिन उसको समझने से पहले समझ लीजिए कि इसमें तारीफ़ में एक लफ्ज़ आया कौन कौन से क्या मुराद है तो कौन सा मुराद जिसम या जौहर का अपने मकान में हसूल है इसी तरह के लफ्ज़ आया हयियस से मुराद मकान है अब समझिए कि हरकत किसे कहते हैं सुकून किसे कहते हैं तो शारे कह रहे हैं कि अगर कोई कौन दूसरे ऐसे कौन से मजबूक हो जो उसी में हासिल हुआ हो जो कौन मजबूक का हिज़ है यानी दोनों का हयस एक हो दोनों का मकान एक हो तो दूसरे कौन यानी कौन मजबूक का नाम सुकून है और जिस शय को ये कौन हासिल होगा वो साकिन कहलाए और अगर किसी हयज़ में हासिल होने वाला कोई कौन दूसरे ऐसे कौन से मजबूक ना हो जो उसी हयस में हासिल हुआ हो बल्कि वो मजबूक हो ऐसे कौन से जो दूसरे हीस में हासिल हुआ हो यानी दोनों का हयीस एक ना हो बल्कि अलग अलग हो तो दूसरे कौन यानी कौन मजबूक का नाम हरकत है और जिस शय को ये कौन हासिल होगा वो मतहरिक होगी उसका नाम हरकत रखा जाएगा शारे ने जो हरकत और सुकून की तारीफ की है ये थोड़ी सी मुश्किल है उसको और हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं देखिए कौन के बारे में बता चुके हैं कौन कहते हैं किसी शय का मकान में हासिल होना और इसकी जमा अकवान आती है और ये आराज में से है और अशायरी के नज़दीक किसी भी अर्ज़ को बका नहीं है बल्कि वह हर वक्त बदलता रहता है यानी हर आन फना होकर उसका मिसल उसकी जगह पैदा होता रहता है मिसाल के तौर पर हमारे सामने मदरसे की इमारत है और इस पर हमने एक सुर्ख रंग का लाल रंग का एक पेंट कर दिया है तो अब देखिए ये एक अर्ज़ है अब अशारे ये कहते हैं कि जो हमने पेंट लगाया है अभी तो ऐसा नहीं कि यही पेंट जो है ज़िंदगी भर रहेगा बल्कि ये फना होता रहेगा और पैदा होता रहेगा ऐसा फ़र्ज़ किया जाता है हकीकत में तो ऐसा नहीं होता है लेकिन ऐसा मतलब फ़र्ज़ कर लिया जाता है तो अशायरे कहते हैं कि इसको जो है बका नहीं है तो अब सवाल पैदा होकर बका नहीं है तो हम तो देख ही रहे हैं कि सामने जो है पेंट जो है दस साल से लगा वही पेंट पड़ा हुआ है आप कह रहे थे तो उसको बका नहीं है तो उसका जवाब ही देते हैं कि देखिए ये हर आन फना होता है और फिर उसकी जगह उसका मिसल पैदा होते रहता है तो इससे मालूम हुआ कि हर शय को हर आन एक नया कौन हासिल होता है ख़ा हर आन उसका मकान बदलता हो या ना बदलता हो खा हर आन उसका हजीस बदलता हो या ना बदल बदलता हो उसको हर आन एक नया कौन हासिल होता है और हर कौन के बाद जब दूसरा कौन हासिल होगा तो पहला सबक और दूसरा मसबूक कहलाएगा ठीक है तो जो तो शार कह रहे हैं कि अगर किसी शय को दो कौन इस तौर पर हासिल हों कि उन दोनों का मकान एक ही हो यानी उनमें से सबिक कौन जिस मकान में हासिल हुआ हो कौन मसबूक भी उसी में हासिल हुआ हो तो उस शय को साकिन कहा जाएगा मिसाल के तौर तो पर हम ले लेते हैं कि एक इंसान है खड़ा है और वो कपड़ा पहने हुए है कपड़ा पहन के खड़ा है अब अगर वो उसी मकान मकान के अंदर खड़ा है वहाँ से उसने हरकत नहीं खड़ा है वहाँ पे अब उसके जिसम में जो कपड़ा है वो तो अर्ज़ है ना अब उस पर बका वना का सिलसिला जारी है अब देखिए कि यहाँ पर उस इंसान ने अपनी जगह को नहीं बदला जहाँ खड़ा तो वहीं खड़ा है तो यहाँ पर दो कौन हासिल हुए फ़र्ज़ कर लिए गए हैं दो कौन और दोनों कोनों का मकान एक ही है यानी उनमें से सबक कौन जिस मकान में हासिल हुआ है कौने मजबूत मस, भी उसी जगह में उसी मकाम में हासिल हुआ है तो इसको साकिन कहा जाएगा और अगर उसने हरकत की वहाँ से कहीं और चला गया तो इसको यूँ कहा जाएगा कि तो दोनों कौन एक मकान में हासिल नहीं हुए हैं तो इसको हरकत कहा जाएगा शर् कह रहे हैं कि हमने जो सुकून की तारीफ़ की है उससे बात मालूम हो गई कि हरकत में दो कौन होते हैं एक सबक होता है दूसरा मसबूक होता है इसी तरह दो आन होते हैं एक आने साब होता, होता है जिसमें कौन साबिक है और दूसरा आने लाइ होता है जिसमें कौने मसबूक होता है और मकान भी दो होते हैं एक कोने सबक का दूसरा कोने मसबूक का उसके बरखिलाफ़ सुकून में दो कौन और दो आन होते हैं मगर कौन सबक़ और कौन मसबूक का मकान एक ही होता है तो हरकत की तारीफ़ में जो मतकलमिन का कौल मनकूल है कि कौन फ़ी आनईनी फ़ी मकानी और सुकून की तारीफ़ में जो मतकल का कौल मनकूल है कि कौनानी फ़ी नहीं फ़ी मकान माहिन इसका मतलब यही है यह जो हमने बयान किया है अब शार कह रहे हैं कि जब आपने बात समझ ली तो अब समझिए कि आयान या हरकत और सुकून से ख़ाली क्यों नहीं होते तो कहते हैं कि आयान खा अजसाम हो या जवाहिर वो किसी भी हजीज़ में कौन से खाली नहीं होते बल्कि यक वादी करे हर आन उनको मुख्तफ अकवान हासिल होते रहते हैं जिनमें से हर कौन अपने से पहले हासिल होता है कौन से मसबूक़ यानी मौखर होता है लिहाजा हर कौन दो हाल से ख़ाली नहीं या तो मजबूक होगा दूसरे ऐसे कौन से जो उसी अइस में हासिल हुआ हो जिसमें कौन कौन मजबूक हासिल हुआ हो या वो मसलूक नहीं होगा पहली सूरत में जिसम या साकिन कहलाएंगे कहलाएँगे और दूसरी सूरत में इस तफसील से मालूम हुआ कि आयान खा अजाम हो या जवाहर हो वो बहर हाल मुतहरक होंगे या शाकििन यानी किसी भी वक्त में वह हरकत और सुकून से खाली नहीं हो सकते लिहाजा जब यह बात साबित हो गई कि वह हरकत और सुकून से खाली नहीं होते हैं और हरकत और सुकून हादिस है लिहाजा आयान भी हादिस होंगे बात यहाँ पूरी हो गई आगे एक सवाल और जवाब है पहले भी बात पढ़ के तर्जमा कर लेते हैं फ़ैन की मसबूक़न आखर असल सान अगर यज किया जाए कि मुमकिन है अनलकून मजबूक बिकन आकर कि वह कौन मजबूक न हो दूसरे कौन से असल बिल्कुल कैमाफी अनूसी जैसा कि पैदा होने पैदा होने के वक्त में फलायुन मतहरिकन पस मतहरक नहीं होगा कैमालन साकिन जैसा कि वो साकिन भी ना होगा कुलना हम जवाब देंगे कि हादल मनौलायसरुना कि ये तराज हमको नुकसान नहीं देगा लिमा फ़ीमिन मुद्दा, इसलिए कि इसमें मुद्दा को तस्लीम करना हुआ है अलाकाम अखवानू व ततरासारोंलावा वसी हमारी जो गुफ्तगु है उन असाम के सिलसिले में है जिनमें अकवा मतदद हो चुके हों और जिन पर बहुत आरसा और ज़माना गुजर चुका हो तो सवाल के हासिल ये मतरिज जे कहता है कि आपने आयान के हरकत सुकून से खाली ना होने की जो दलील जिक्र की है उससे तमाम आयान के का या यासाकिन होना साबित नहीं होता है क्यों इसलिए कि के मतहरिकसकिन के होने के लिए एक कौन का दूसरे कौन से मखर होना ज़रूरी है हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर कौन दूसरे कौन से मखर हो मजबूक हो बल्कि यह भी मुमकिन है कि कोई कौन दूसरे कौन से बिल्कुल मजबूक ना हो क्यों इसलिए कि वही सबसे पहला कौन हो उससे पहले कोई कौन ना हो मिसाल के तौर पर जिस वक्त किसी आयन का वजूद होता है तो उस वक्त जो कौन उसको सबसे पहले हासिल होता है वो किसी कौन से मजबूक नहीं होता है यानी के पहल और के पहला होता है तो उससे पहले उससे पहले कोई और कौन नहीं होता है लिहाजा हमें नहीं कह सकते कि ये मजबूत है मक्खर है इससे पहले कोई कौन है तो उस वक्त में वो न तो मुतहरिक होगा और न सान होगा जब और साकििन नहीं होगा तो हदूस की दलील भी मुकम्मल नहीं होगी, नहीं होगी। आयान के हदूस की दलील भी मुकम्मल नहीं होगी इस सवाल के इशारे ने दो जवाब दिए पहला जवाब ये दिया है कि आपने जो एतराज़ किया है तो आपका जो फोकस तो सिर्फ इस पर है सबक और लाइफ पर है हालांकि आपने इसके अंदर हमारे दावा को तस्लीम कर लिया और दावा क्या है आयान का हदूस आपने कहा है ना कि आयान का जिस वक्त हदूस हो तो आपने आयान को हादिस मान लिया हालांकि हमारा हालांकि हमारे दलील का जो असल मकसद वो आयान के हदूस को साबित करना उसको आपने तस्लीम कर लिया तो ये एतराज़ तो को हमारे लिए कोई मुजिर नहीं है हमारा दावा चाहे उस दलील से साबित हो या आप जो है बेगर दलील की तस्लीम कर लें उसको उर्दू उसको दूसरा जवाब दिया है कि देखिए हमने जो आयान के मतलब दावा किया है कि हरकत और सुकून से ख़ाली नहीं होते हैं तो उससे मुराद व आयान हैं जिन पर सदिया गुजर चुकी हों और बेशुमार बेशुमारकवान उनको हासिल हो चुके हों तो चूँकि उन पर एक आशा दराज़ गुजर चुका होता है इसलिए किसी को यह ख्याल हो सकता है कि शायद ये क़दीम हो और हमेशा से हमेशा से चूँकि नेक ज़माने से चले आ रहे हैं तो हमेशा रहेंगे जैसे अफलाक है तो एक कदीम ज़माने से हज़ारों और सैकड़ों साल से जो अफलाक का वजूद है अब जो है उसी को बुनियाद बनाकर फलासफा उनके उनके कदीम होने का भी दावा करते हैं तो उस सिलसिले में जो है हमारी दलील है और हमने जो दावा किया है हमारा दावा उन्हीं से मुतल है अब रह गए वो आयान जिनका हजूस हमारी आँखों के सामने और कसम भी उसको तस्लीम करता है तो उससे मतलब हमारी नहीं है आगे इबारत में है, अम्मा अदो तो माँ बहर आल उन दोनों का हादिस होना फैल फल अन आराजी तो इसलिए कि वो दोनों आराज में से हैं वही गैर बाकी रहने वाले नहीं हैं वाल माहियत ल हरकती लिमाफ़ी हम इंतकाल हालिन तक तज़िल मसबूकी या तबिल गरी और इसलिए कि हरकत की माहियत इस वजह से कि उसमें एक हालत से दूसरी हालत की तरफ इंतकाल होता है मसबूक बिल गैर होने का तक करती है वजली य तोनाफ़ी है और अजली होना उसके मुनाफ़ी है वालन्ना कुलहर फ़ियाल व अलमक़ा वालमस्तरारी और इसलिए भी कि हमारे इस नु, 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 नुस्ख़े में मुकजा है और बाद नुस्खों के अंदर तकज़ी है बरक है इसके माने होते हैं ख़त्म होना पूरा हो जाना वाल तन फल व आलमक़ा वालमस्तकरारी और इसलिए भी कि जो भी हरकत है वो तो ख़त्म होने और बरकरार न रहने पर है वकुल्लु सुकून इनफवाजायज़ुल जवाली और जो भी सुकून है तो उसका जवाल मुमकिन है याकुल्लाजिसम्फ़वलरकत भी ज़रूरत इसलिए कि जो भी जिसम है तो हरकत को कबूल करने वाला है बे ज़रूरती बदाहता वक़त रफ्तन नमायजूस आदम हो यम तनुदम हो और तहीक़ के तुम जान चुके हो अब जान चुके हैं कि बेशक जिसका मादू होना जायज़ है उसका कदीम होना महाल है इस इबारे के अंदर हरकत और सुकून के हदूस को बयान किया गया है कि हरकत और सुकून ये हादिस है और कई दलीलें दी उन्हें सारी किताब ने तो एक वजह तो हरकत और सुकून के हादिस होने की ये है कि ये दोनों आराज में से और अशायरा आराज को फ़ानी मानते हैं कहते हैं कि आराज को बका नहीं है दूसरी वजह यह है कि हरकत की माहियत ये मसबूक बिलगैर होने का तकाजा करती है क्योंकि उसमें एक हालत से दूसरी हालत की तरफ इंतकाल होता है मसलन सुकून से हरकत की तरफ या एक हरकत से दूसरी हरकत की तरफ लिहाजा जो दूसरी हालत होगी वो पहली हालत से मसलूक होगी और मसबूक बिलगैर होना ये अज़ली और कदीम होने के मुनाफी है तीसरी वजह है कि इन दोनों के हजूस क्या कहते हैं कि जो भी हरकत है वो ख़त्म और बरकरार न रहने पर है यानी जो भी हरकत है उसे ज़वाल है किसी हाल में उसको करार नहीं होता है इसी तरह जो भी सुकून है उसका भी जवाल मुमकिन है इसलिए कि हर जिसम ये बदही तौर पर हम देखते हैं कि ये हरकत को कबूल करता है हर जिसमें और ये बात पहले आ चुकी है कि जिस चीज़ का जवाल और आदम मुमकिन हो उसका कदीम होना महाल है जब उसका कदीम होना माल है तो उसका हादिस होना साबित हो गया अमल वम्लमक़दमियतअल हदत लऊसमी फ़िलाजलूतलहादारीति फिलासली महाल और बहर हाल दूसरा मुकदमा तो इसलिए कि जो शादी से ख़ाली नहीं अगर वह अजल में साबित हो तो लाजिम आएगा हादिस का सबूत अजल में और ये महाल है शारे कहते हैं कि वहा हू ना अब हास यहाँ चंद बहसें हैं बहसे दलील अन्नाफ़िलजवासामी चंद भ चंद एज़ात हैं उनके जवाब हैं एक, एक करके देंगे तकरीबन चार हैं। पहला है कि किसारवाहरी कि कोई दलील नहीं है आयान के मुनसर होने पर जवाहर में वम तन मौजूद मुमकिन यकुम वाला मुतह कर वन मजरतुल्ल कूलो बहल फलासफतो और ये कि किसी ऐसे मुमकिन का वजूद मुहाल है जो बात खुद क़ायम हो और मतहज ना हो बिल्कुल जैसे फलासफा वक़ूल और गैर मादी नफूस के कायल हैं वलजवा वंदमूद हुमकिनती और इस एतराज़ का इस पहली बहस यानी एतराज़ का जवाब ये है कि हमारा दावा उन मुमकिन उन का हादिस होना है मासबतः वजूद मिनल मिनल तो वो आराज हो जिनका वजूद साबित हो चुका है और वो आयान मतगज़ा और आराज है ये अन अदिलता वजूद्रदाती गैर उतम मतिन आला की नफिल मतौलाती इसलिए कि गैर मादी अशिया यानी फलासफा जिनके ख़यल अकूल मिसाल के तौर पर नफूस है तो गैर मादी अशिया के वजूद की दलाइल ताम नहीं है जैसा कि बड़ी किताबों में उसको बयान कर दिया गया है ये फ़लासफा इसको मानते हैं अशायरा इसको नहीं मानते हैं और उसके बतलान को साबित भी किया और इस्लामी अकीदे खिलाफ़ भी है तो आयान के हदूस को हदूस की दलील को दो मुकदमे के अंदर बयान किया गया था पहले मुकदमे की दलील बयान हो चुकी है यहाँ से दूसरे मुकदमे की दलील को बयान कर रहे हैं कहते हैं कि हमने जो कुबरा बयान किया था हमारा कुबरा यह था कि जो चीज़ हवादी से खाली नहीं होती वो भी हाथी होती है तो इस दावे की दलील ये है यह यह इस दलील की दलील ये है कि हमारा जो दावा है इसको आप मानते या नहीं मानते कि जो चीज़ हवालि से खाली नहीं होती वो भी हादीत होती इसको आप तस्लीम करते या नहीं करते हैं अगर आप कहते हैं कि हम तस्लीम नहीं करते और हम हादिस नहीं मानते बल्कि क़दीम और अजली मानते हैं तो हम कहेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें हादिस ना बल्कि कदीम और अजली हो जैसा आप कह रहे हैं तो जो हवालि उनके साथ होंगे उनका भी असल में होना लाजिम आएगा हालांकि किसी भी हादिस का असल में होना मुहाल है इसलिए कि हादिस ये मजबूक़ बिलादम होता है उससे पहले कोई चीज़ कोई चीज़ नहीं होती है और फिर उसको वजूद में लाया जाता है तो हादिस के अदम का ज़माना जो है उसके वजूद के ज़माने से पहले होता है और अजल में किसी शे का मजबूक बिल होना इस तौर पर कि उसका ज़माना गैर के ज़माने के बाद हो मुहाल है क्यों क्योंकि अजल से कोई पहले कोई ज़माना है ही नहीं लिहाजा हमारा मुद्दा साबित हो गया अब जो है अगर इस शिक्कु नहीं मानेंगे तो हमारा जो दावा साबित हो गया जो चीज़ हादिश से खाली नहीं हादिस से खाली होती है हवा खाली नहीं होती वो भी हादिस होती है ये हमारा दावा बित हो गया अब सारे किताब में आलम के हदूस पर जो दलील दी है उस दलील पर यहाँ शारे ने चार एतराजा क़ायम किए और ख़ुद ही उस फिर उनका जवाब दिया है पहला एतराज़ ये है कि आपने आलम के हदूस की जो दलील दी है तो दलील को आपने जब दावे की शक्ल में पेश किया है तो उसको यूँ पेश किया है कि आयान जव या तो जवाहिर होंगे या असाम होंगे यानी आयान को आपने जवाहिर और असाम के अंदर मुनसर कर दिया है तो मोतरीज ये कहता है कि आ, आयान को सिर्फ़ दो किस्म, यानी असाम और जवाहिर में मुनसर हो मुनसर जो आपने किया है उस पर कोई दलील नहीं है इसी तरह इस बात पर भी कोई दलील नहीं है कि ऐसे मुमकिन का वजूद है जो कायम भी ज़ात हो मगर मतहीज ना हो बल्कि हम तो ये कहते हैं कि बाज़ ऐसे मुमकिन भी हैं इस दुनिया के अंदर जो कायम भी हैं और चूँकि कायम भी ज़ात हैं इस बिना परिन है, मगर मतःज़ और काबिल इशारे नहीं है, इस बिना पर न वो तो जिसम है और न जहर फर्द मसला अकूल अशर है नफूस है जिनके कायल फलसफा हैं तो ये कायम बिजात होने की वजह से आयन है मगर और काबिल इशारा हिस्सा ना होने की वजह से न जिसम में न जौहर फ़र्द में यानी न तो जिसम है और न ही जहर फर्द है लिहाजा आपने आयान को जो अजसाम और जवाहर मुनसर किया वो सही नहीं है शायर ने ख़ुद इसका जवाब दिया है और जवाब का हासिल ये है कि देखिए हमारा असल तो असल जो मकसद है वो अल्लाह ताला की वजूद को और अल्लाह ताला की सिफात को साबित करना है और इस मकसद के हसूल में सिर्फ उन मुमकिन का हदूस हदूस को साबित हादिस होने को साबित करना काफ़ी है जिनका वजूद दलील से साबित है इसलिए जो हमने दावा किया है तो हमारा दावा सिर्फ उन मुमकिन के हदूस का है जिनका वजूद दलील से साबित है और जिन मुमकिनान का वजूद दलील से साबित है वो सिर्फ़ आयाने मतहजा और आराज और आ के अंदर मुनसर है यानी आयाने मतहजा ये अजसाम और जवाहिर के अंदर मुनसर है अब रहे गैर गैरमतजा यानी आपने तो मिसाल पेश की है कि आयन तो हैं मगर जो है गैरमतज हैं मिसल अशरा या नफूस तो इसका सबूत हमारे हमारे नज़दीक तो इनका सबूत है ही नहीं है